हम किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे होते हैं जब कोई नहीं होता है, हमारे साथ कोई नहीं चल रहा होता है, माहौल बिल्कुल शांत होता है, ना कोई बस्ती होती है, ना कोई घर होते हैं, ना लोग होते हैं, तो अचानक लगता है किसी ने हमारा नाम लेकर के हमको आवाज़ दी। अक्सर ये जीवन में ये घटना सभी के साथ घटती है कि कोई मेरा नाम लिया, जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो कोई नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल सुनसान होता है, लेकिन वह आवाज़ एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ती है, वह ध्वनि एकदम से स्पष्ट सुनाई पड़ती, किसी ने स्पष्ट हमारे को नाम लेकर के पुकारा। ये भी एक आत्मा या प्रेतात्मा के होने का प्रतीक है। प्रश्न है कि प्रेतात्मा होती है या नहीं होती, तो होने ना होने का जहाँ प्रश्न है, तो मेरा एक सवाल उन सारे लोगों से है जो कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं या परमात्मा आत्मा कुछ नहीं होती है, तो कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा नाम रख करके बता दें जो अस्तित्व में ना हो और उसका नाम रखा जा सके, क्योंकि अगर ये रुद्राक्ष है तभी हम इसको रुद्राक्ष कहेंगे, ये माइक है तभी हम इसको माइक कहेंगे, कोई वस्तु पहले आएगी बाद में उसका नाम रखा जाएगा, अगर वो उसका अस्तित्व नहीं है तो उसको नाम नहीं रख सकते। तो भूत या प्रेत या आत्मा या परमात्मा जो भी है वो पहले अस्तित्व में आएगा, उसके बाद उसका नामकरण होगा। तो ये तो सिद्ध है कि प्रेतात्माएँ होती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि वह उन्मादी है, रोगी है, उन्माद से ग्रस्त रोगी है, वह विक्षिप्त है, मनोरोगी है, मेंटल डिस्टर्ब हुआ है, या वह भूत प्रेत से ग्रस्त है, इसकी पहचान कैसे? जो मेंटल होते हैं, जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जो मनोरोगी होते हैं, वो कहीं वन वे माइंड हो जाता है उनका, वो किसी विषय को लेकर दिमागी उनका संतुलन खराब होता है, उनको एक धुन सवार होती है, वही काम करते हैं, मौन है तो मौन रहेंगे, हंसते रहें तो हंसते रहेंगे, कुछ काम करेंगे तो वो करते रह जाएंगे, जैसे कई ऐसे पागल हो जाते हैं जो सैनिक की वर्दी पहन करके अपने आप को सैनिक समझने लग जाते हैं, हमेशा सैनिक की तरह ही रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो पागलपन की हरकतें जो होती हैं, जो रोगियों की गणना जिसको हम करते हैं, वो उनका मस्तिष्क केवल एक विषय को लेकर के सोचता है, लेकिन जो भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति होगा उसकी आंखें चढ़ी हुई होंगी, लाल आंखें होंगी, और जब एक शरीर में दो आत्माएं प्रवेश करती हैं तो विरोधाभासी हरकतें होती हैं। जैसे एक आत्मा कहती है खाना खा लो, तो जैसे खाना खाने बैठता है तो दूसरी आत्मा उस थाली को उठा के पटक देती है, फोड़ देती है, बोले नहीं खाना है। एक आत्मा कहती है नहीं कपड़ा पहन लो, दूसरी आत्मा उसको फाड़ के फेंक देती है, वो मेरे को कपड़े नहीं पहनना है। यानी जो कभी तो ऐसा सामान्य सी हरकतें उसकी होती हैं और तुरंत ही तत्काल ही असामान्य हरकतें उसमें हो जाती हैं। साथ ही जो उसकी ऊर्जा होती है, शारीरिक ऊर्जा जो होती है, वह सामान्य मनुष्य से कई गुना अधिक बढ़ जाया करती है। और अनदेखा सच जो उसने नहीं देखा है कभी, उसने जो नहीं किया है, कई ऐसी भाषाएं, अब अगर वो विशुद्ध रूप से हिंदी भाषी है तो अंग्रेजी बोलने लग जाता है, या अरबी फारसी बोलने लग जाता है, या मराठी गुजराती बोलने लग जाता है, नहीं जिन भाषाओं से उसका कभी संबंध नहीं रहा, जिन संस्कृतियों से उसका कभी संबंध नहीं रहा, तो अगर उस टाइप की आत्मा को इसके अंदर प्रवेश करती है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार और वहाँ की बोली भाषाओं का भी उसके ऊपर प्रभाव हम स्पष्टता देखते हैं। आज के इस बहुत ज़्यादा द्वंद्वात्मक युग में प्रेतग्रस्त और मनोरोगी के बीच में निर्णय कर पाना आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, इसलिए जो मनोरोगी होते हैं, जो उन्माद के रोगी होते हैं, उनको भी लोग जो है प्रेतग्रस्त समझ करके और झाड़ने फूकने वालों के पास, ओझा सोखा के पास पहुंच जाते हैं, जिससे वो ठगी के शिकार बनते हैं, लोग उनको जो है बरगला करके या मूर्ख बना करके
ठगने का एक माध्यम बना लिए हैं। ये हमारे तंत्र का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, क्योंकि तंत्र एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी क्रिया है जो हर कार्य को या जीवन के जो हमारे संयंत्र हैं, हमारी व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाने का एक माध्यम है, ना कि ठगने का। तनस्त्रायते इति तंत्रः, जो तन के कष्टों को दूर करने में सक्षम हो, जो हमारे शारीरिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की व्यवस्था है, हम उसे तंत्र कहते हैं। तंत्र मंत्र ठगने की वस्तु नहीं है। और आज बहुत सारे लोग अपने आप को यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक कह करके लोगों को ठगते हैं। तो सबसे पहले ये निर्णय लिया जाता है कि अब उन्मादग्रस्त रोगी है या मनोरोगी है या भूत प्रेत से ग्रस्त रोगी है, जब हम इनका निर्णय ले पाते हैं। और यह विशेषज्ञ ही बता सकते हैं, आम आदमी इसको नहीं समझ पाता है, तो उसकी वैसी चिकित्सा करनी चाहिए। यह ठगने का माध्यम नहीं है। हमारे यहाँ तंत्र बहुत सुदृढ़ विज्ञान रहा है। बस इतना ही आम आदमी समझ ले, जो प्रेत ग्रस्त होगा उसकी आंखें हमेशा चढ़ी हुई होंगी, बार बार वो पलके नहीं झपकाएगा, उसकी पलके झपकेंगी नहीं। और मनोरोगी पलके झपकाता है, सोता भी है मनोरोगी, कभी कभी सोता भी है। अक्सर मनोरोगी को नींद नहीं आती और प्रेतग्रस्त को नींद आती है, ये अंतर भी होते हैं। दूसरी बात, विरोधाभासी हरकतें जो होती हैं, खाना खा लो नहीं खाएगा, पटक देगा, फोड़ देगा, नहीं, तोड़ फोड़ की जो प्रकृति होती है वह प्रेतग्रस्त रोगी में होती है। और जो एक बैठा है किसी धुन में, किसी से बात नहीं कर रहा, तो वो मनोरोगी होता है। या बहुत ज़्यादा कुछ बड़बड़ करता ही जा रहा है, वो मनोरोगी होता है। यानी किसी एक धुन को लेकर जो चलता है उसको मनोरोगी मानते हैं, क्योंकि किसी एक विषय को लेकर के उसके दिमाग में बैठ जाता है, फिर हो जाता है, वो पागल हो जाता है। लेकिन प्रेतग्रस्त में कोई एक विचार नहीं होती, उसकी कोई विचारधारा एक नहीं होती है। कभी मारपीट करेगा, कभी तोड़ फोड़ करेगा, कभी आग लगा देगा, कभी अपने ऊपर ही आग लगा लेगा। ये जो हरकतें होती हैं यह पागलपन की नहीं बल्कि प्रेतग्रस्त रोगी की होती है। तो आम आदमी साधारणतः यही समझ ले कि उसका चेहरा हमेशा क्रोध में रहेगा, आंखें लाल रहेंगी और पलकें जो है बार बार उसकी नहीं पड़केगी, वो जीवन में विरोधाभासी हरकतें करेगा।